फाइनली पहुंच गए हैं, लिफ्ट में हूँ, 7th फ्लोर में है, जा रहा हूँ, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। सीरियसली बहुत यू नो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को उनका क्या रिएक्शन रहेगा, देख के बहुत मजा आने वाला है। सो फाइनली आई एम रेडी और अभी मैं निकलने वाला हूँ जहाँ पे मेरे को जाना है। कहाँ जा रहा हूँ वो आपको मैं अभी बताऊँगा नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। बट द थिंग इज़ वाई दिस ब्लॉक इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। जहाँ पे मेरे को जाना है दैट इज़ अराउंड 12 to 13 किलोमीटर। आप अगर कोई भी मुंबई में है तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि फ्रॉम अंधेरी ईस्ट टू कांदी वैली ईस्ट कितना दूर है, अराउंड 12 to 13 किलोमीटर है। अभी मैं मेरे गूगल में इसमें गूगल मैप में सर्च किया तो ये मेरे को दिखा रहा है 13 किलोमीटर और टाइम जो दिखा रहा है अराउंड 2 hours 45 minutes के आसपास कुछ लगेगा अगर मैं बाई वॉक अगर जाता हूँ तो, विच आई एम गोइंग टू डू बाई टूडे। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल रुपी मैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकूँ जहाँ पे मेरे को जाना है। तो मे भी मैं वॉक करके भी जाऊँगा और अगर बीच में कभी थका बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ तो मैं लिफ्ट लेके भी जाऊँगा। राइट, व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड होप्स यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड, सो लेट्स गो। छत्ता भी पकड़ लेते हैं बिकॉज हो रहा है बारिश। अरे लाइट बंद करो, लाइट पंखा हमेशा बंद करना चाहिए जब कभी भी आप रूम खाली कर रहे हो या छोड़ के जा रहे हो। तो अभी हम लोग उतर गए हैं, नीचे जा रहे हैं, बट यू नो बैग को मैं सोच रहा हूँ पीछे तरफ नहीं रख के ना आगे तरफ टांग लेता हूँ सो दैट बारिश के वजह से मेरा बैग ज़्यादा भीगेगा नहीं। क्या क्या करना पड़ता है यार। अगर आप लोग भी ना कभी ऐसे आगे टांगे नहीं हो या आगे होल्ड नहीं किए हो बैग को तो एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं और यू नो मैं कोशिश एक ये चीज़ करूँगा कि जैसे 12 या 13 किलोमीटर राइट, तो आपको हर 1-2 किलोमीटर के बाद मेरे गूगल मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा कि और कितना वक्त बचा है, कितना किलोमीटर बचा है उस जगह में पहुंचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। मैं नीचे आ चुका हूं, आप ये देख सकते हो बारिश हो रहा है तो कैमरा थोड़ा सा डर लग रहा है बाहर ले जाने में, बट इस छत्ते को ना ऑन कर लिया जाए और निकलते हैं। यो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आने वाला है, सो लेट्स चिल। हालत बहुत ख़राब हो गई है ऐसे ही बट स्टिल हार नहीं मानना है। पीछे देखो दादा कैसे देख रहे थे। अभी 13 किलोमीटर था ना जब हम लोग घर से निकले थे, अभी देख सकते हो आप अराउंड 9.8 किलोमीटर बचा हुआ है। बट स्टिल नाश्ता बहुत अच्छे से हुआ था तो फिर भी अभी एनर्जी बचा है। बट एक चीज़ क्या हुआ पता है क्या, मैं जब घर से निकला था ना तो इसमें ऑप्शन रहता है गूगल मैप में, लाइक आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, बाई वॉक जा रहे हो, तो मैं बाई वॉक वाला किया था राइट। तो उसमें करीबन 2.5 घंटा कुछ दिखा रहा था और 1-2 किलोमीटर के बाद वो किसी जंगल से लेके जा रहा था। मैं बोला यार ये जगह सही नहीं है ऐसे जंगल से जाना अकेले, तो फिर मैं उसको बाइक वाले मोड़ पे किया और फिर अभी वैसे जा रहा हूँ। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और पता नहीं बारिश ऐसे यूजुअली होता नहीं है रोज़, बट आज मेरा जाने का था ना तभी बारिश होना चालू हो गया, अब भी रुका है जस्ट बारिश और सांस भी भर रहा है। मैं जानबूझ के पता है ना आपको दिख रहा है नीचे मैं लोअर पहन के आया था आज, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि जीन्स पहन के 12-15 किलोमीटर चलना इज़ नॉट ईजी राइट। इसलिए आप जब कभी भी किसी ऐसे लॉन्ग वॉक पे जा रहे हो या ऐसा कुछ तो हमेशा एकदम कम्फर्टेबल वाला ड्रेस पहनो। और अभी चलते हैं 2-3 किलोमीटर और फिर उसके बाद मैं आप लोग को फिर मिलता हूँ। बहुत लोग देख रहे हैं मेरे को, बहुत लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, खैर होता है कोई बात नहीं। सो लेट्स गो मोर, अभी 3-4 किलोमीटर वॉक करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग से मिलता हूँ। सो फाइनली अभी 5 किलोमीटर बचा हुआ आप देख सकते हो, मतलब 13 किलोमीटर था जब हम लोग निकले थे, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर हो चुका है और बॉडी एकदम से डिहाइड्रेट हो गया क्योंकि मैं पानी नहीं पी रहा था। बट फिलहाल अभी मेरे को ये पीछे देख रहे हो ना एक साइकिल वाले भैया हैं, इनके पास टेंडर कोकोनट एक पीते हैं, थोड़ा एनर्जी आएगा और उसके बाद फिर
5 किलोमीटर कवर करेंगे। 5 किलोमीटर में देखते हैं कि मैं वॉक कितना किलोमीटर कर सकता हूँ और फिर मेरे को लिफ्ट लेने की क्या वाकई में ज़रूरत पड़ेगी किसी से या नहीं पड़ेगी। सो लेट्स सी। अभी हम लोग नारियल पानी पीते हैं। स्ट्रॉ मत देना, ऐसे ही दो। बैठ के पीना चाहिए हमेशा। बैठने का कुछ था नहीं तो मैं यहाँ बैठ गया, कुछ सीमेंट का बना हुआ था। और द बिगेस्ट थिंग इज़ कि मैं स्ट्रॉ नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट मुँह लगा के पीता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉ ये लोग बाहर रखे हुए रहते हैं तो गंदा रहता है, राइट। तो अभी इसको पीते हैं फटाफट और फिर चलते हैं आगे। हमारे नारियल पानी जो पिलाए भैया वो बोल रहे हैं कि भैया आप ये क्या करोगे, वीडियो क्या मतलब किस लिए बना रहे हो, मैं वाला यूट्यूब चैनल है। तो भैया बोलते हैं आपको देखे तो नहीं है कभी यूट्यूब में, तो भैया को भी दिखा देते हैं। इसमें सर्च करो ना आप, क्या लिख निखिल अग्रवाल लाओ, मैं लिख देता हूँ। इसको छत्ता पकड़ो आप, मैं लिखता हूँ। भैया तो पॉलीथीन वगैरह सब लगा के रखे हैं, लिखाएगा ना? हाँ लिखा रहे। हाँ ये रहा देखो, नाम आ गया मेरा निखिल अग्रवाल। ये सर्च करोगे ना, ये है मेरा चैनल निखिल अग्रवाल, ठीक है? निखिल अग्रवाल। हाँ निखिल अग्रवाल चैनल का नाम है। अभी तक 86 वीडियो डाल चुका हूँ, एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को वीडियो डालता हूँ मैं, 86 है ना। तो इसको सब्सक्राइब कर लो आप, जब भी वीडियो डालूंगा आप भी दिखोगे वीडियो में। हाँ दबा दो भाई, हमारे एक सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच भैया। आप लोग भी ऐसे ही लोगों को बताओ और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार, ठीक है? चलो ठीक है, हम लोग फिर आगे निकलते हैं अभी यहाँ से। सो फाइनली अभी 1.4 किलोमीटर बचा है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिख रहा होगा शायद। तो 13 किलोमीटर से स्टार्ट किए थे, 1.4 किलोमीटर बचा है। थक तो थोड़ा गया हूँ, बिकॉज यू नो लाइफ में मेरे कभी भी, मैं वॉकिंग किया हूँ बट इतना लंबा नहीं किया हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। जनरली होता क्या है ना, हम लोग जिस दिन फास्ट करते हैं राइट, तो एक या दो बार ही खाते हैं, बट उसी दिन हमको भूख भी ज़्यादा नहीं लगता है राइट। और बाकी दिन ऐसा होता है कि इन जनरल कभी अगर हम लोग थोड़ा सा भी कम खाते हैं ना तो बहुत भूख लगता है। वैसे ही जब ये चलने की बात आती है, इतना आज जब मैं प्री प्लान्ड किया था कि मेरे को इतना चलना है ना, तो मेरे को अभी तक इतना थकान नहीं हुआ। बट हम कभी मॉल जाते हैं या घर से अगर कुछ सामान लेने जाना रहता है ना, तो 100-200 मीटर के बाद हम लोग रोने लग जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट। यू नो मैं जब स्टार्ट किया था ना ये वॉकिंग, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मैं गलत तो नहीं कर दिया यार इतना लंबा, एकदम मतलब इतना बड़ा चैलेंज लेके। बट फिर ऐसा लगा कि सावन के टाइम में जब कावड़ उठाने के लिए जो ऑरेंज कपड़ा पहन के बोलबम में जाते हैं वो लोग अराउंड 100 या 150 किलोमीटर कुछ चलते हैं राइट, तो थोड़ा बहुत उसका यू नो एक फीलिंग आ गया मेरे को कि हाँ कैसा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1.4 किलोमीटर बचा हुआ है, किसी से लिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से जा सकता हूँ। इसीलिए बोला जाता है हमेशा आप वर्कआउट करो फिटनेस के साथ, थोड़ा सा आप रहो मतलब दिन में आधी घंटा एक घंटा करो आप, सो दैट आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो आपको कभी भी यू नो थकावट नहीं आएगी राइट। तो इसीलिए शायद इतने दिन से जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उसी का थोड़ा सा मेरे को यू नो बेनिफिट मिल रहा है आज। आप लोग भी वर्कआउट करो, स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे जितना वॉकिंग करो 12-12, 15-15 किलोमीटर, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट करो, आधी किलोमीटर, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर चलो। अगर आप चल नहीं सकते ना तो एटलीस्ट जैसे अगर आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा रहता है या सिटिंग वर्क ज़्यादा रहता है तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट अपने घर से जब बाहर जाते हो अगर आप लिफ्ट यूज़ करते हो तो उसको मत यूज़ करो, बाय स्टेयर्स जाओ। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे होती है ना, आप थोड़ा सा फिज़िकल ज़्यादा यू नो ध्यान दो आप थोड़ा सा। ओ बारिश के चक्कर में ना रोड भी गीला हो गया है और DSLR पकड़ पकड़ के हाथ भी दर्द दे रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यार ब्लॉगिंग बनाने में, इट्स नॉट ईजी। जस्ट 350 मीटर के आसपास कुछ बचा हुआ है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये रहा देखो, बारिश भी तेज हो रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग दिस मच ऑफ पेशेंस। मैं आपको वैसे बता देता हूँ वेर आई एम गोइंग। मेरे कज़िन दीदी, अरे भैया, मेरे कज़िन दीदी और जीजू रहते हैं यहाँ पे, रिश्ते से कज़िन है बट मेरे बहुत क्लोज़ हैं। तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी कल कि मैं आज आऊँगा, बट उनको ये नहीं पता है कि निखिल इतना ख़तरनाक है कि वो चल के ही आ जाएगा। सो अभी वहाँ पे चलते हैं और मैं जो है ना आप लोग को
उनका रिएक्शन दिखाता हूँ कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, एकदम उनको क्या लगता है। फाइनली पहुंच गए हैं, लिफ्ट में हूँ, 7th फ्लोर में है, जा रहा हूँ, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। सीरियसली बहुत यू नो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को उनका क्या रिएक्शन रहेगा, देख के बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स सी, अभी मैं घंटी बजाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। जल्दी जल्दी जल्दी, 4th, 5th, 6th, देखो 6th आ गया, अब 7th आएगा। आजा आजा आजा, हाँ 7th आ गया। 702 के सामने खड़े हैं, धीरे बात करते हैं, ठीक है अभी घंटी बजाऊंगा और फिर उनको देते हैं सरप्राइज। ये बजाते हैं घंटी, अब देखते हैं, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने देखो। What's up? Oh my God! ये हमारे जीजू। सुनो ना। क्या? पहले आप लोग ये बताओ, आप लोग आपको क्या लग रहा है कि मैं कितना रुपए खर्चा करके आया हूँ यहाँ पे, यहाँ पहुँचने तक के लिए? 20 रुपए। पैदल आया लग रहा मेरे को तो। बताओ ना। 10 रुपए। 10 रुपए में कैसे पहुँचूंगा देरी से यहाँ? क्यों नहीं पहुँचेगा शेयरिंग में? शेयरिंग में भी 10 रुपए में पहुँच जाओगे? हाँ। बट 10 रुपए भी नहीं लगा है मेरा। वो तो ना पैदल ही आया। पैदल आया तो? पैदल आया हूँ मैं, 7:15 बजे निकला था, अभी 10:15 बज रहा है। सीरियसली? हाँ, तभी तो मेरा पैर इतना गंदा है, जूता भी गंदा है, बाहर खोला। एक पाँव कैसे हो गया तेरा? मेरा पैर कैसे हो गया? पानी पिला रहे, ठीक है। एनीवेज हम लोग ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये लोग का रिएक्शन कुछ खास था नहीं, मेरे को लग रहा था लोगों को लग रहा था कि बहुत सरप्राइज हो गए ये लोग, बट जीजू को पता है मैं किस टाइप का आदमी हूँ तो जीजू गैस कर लिए कि हाँ ये पक्का पैदल आया होगा। एनीवेज आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।